नमस्कार, मैं हर्षवाणी धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में जीत की पर्ची पर लौट आया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलने वाले रोहित ने बुधवार को बांग्लादेश पर 5 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने एडिलेड ओवल मैदान पर खेले गए मैच में 184 पर 6 का स्कोर खड़ा किया। वहीं बांग्लादेश की पारी के दौरान 7वें ओवर में बारिश ने खलल डाल दिया, लेकिन मैच वापस शुरू हुआ जब बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और टीम 14 रन ही जुटा सकी। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट के लिए यूजर्स को हर महीने सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। पहले यह $20 प्रति माह किया जाना था, लेकिन यूजर्स ने इसका विरोध किया और इसे काफी महंगा बताया। इसके बाद कंपनी के नए मालिक एलन मस्क ने मंथली चार्ज को $8.660 के करीब करने का फैसला किया है। AIMIAM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के 2 जिलों आनंद और मेहसाना के कलेक्टरों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के अधिकार दिए जाने के केंद्र के फैसले पर तंज कसाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का धर्म तटस्थ कानून बनाए। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। बुधवार को हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच चुनने के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में आज 9 जिलों में मतदान हुआ। पहले चरण में शामिल जिले भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़ और नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर है। अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में मुख्तार अहमद भट्ट और पुलवामा का सकलैन मुश्ताक शामिल है। तीसरा आतंकी मुशफिक पाकिस्तान का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार तीनों आतंकवादी राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास एक बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। बिहार उपचुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं। जानकारी है कि उन्हें पैरोल पर बाहर भेजा जा रहा है। एक पारिवारिक आयोजन में वो हिस्सा लेंगे। वहीं अब आनंद मोहन के बाहर आने का चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए दुआरे सरकार और पढ़ाए समाधान शिविरों की शुरुआत हुई है। पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों में 2791 कैंप लगाए गए, जहां करीब 2.69 लाख लोग पहुंचे। इन लोगों ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया। जदयू के MLC नीरज कुमार की सेहत अधिक बिगड़ गई है। छठ में मुकामा स्थित अपने गांव गए नीरज कुमार को आनन फानन में पटना लाया गया, जहां मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया। गुजरात के मोरवी पुल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया कि बुधवार को कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं NDRF की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरवी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई है। गोवा सरकार ने अवैध रूप से की जा रही कई पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर सोमवार को रोक लगाने का आदेश जारी किया और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिसिंग कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। हेलोवीन इन दिनों हर किसी के जुबान पर है। बीते दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई पार्टी हुई, जहां कई तरह के डरावने लुक्स में सेलेब्स स्पॉट किए गए। माना जाता है कि इसकी शुरुआत आयरलैंड और प्राचीन ब्रिटेन में हुई थी। उनके समकालीन कैलेंडर के अनुसार वर्ष हेलोवीन के साथ समाप्त होता है और नए साल की शुरुआत होती है। श्री नैना देवी जी सीट से भाजपा ने रणधीर शर्मा को मैदान में उतारा है। खास बात है कि पार्टी ने यह पूर्व ट्रेड यूनियन नेता शंकर ठाकुर, कुलदीप ठाकुर और दौलत राम शर्मा के बजाय शर्मा पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल LA गणेशन के बड़े भाई के जन्मदिन समारोह में शामिल होने चेन्नई गई हैं। हालांकि उन्होंने या तृणमूल कांग्रेस ने भी तक इसे लेकर साफ तौर से कुछ नहीं कहा है। 2 नवंबर को आधी रात को ही शाहरुख खान के घर के बाहर फैंस का जुटान शुरू हो गया। हाथों में हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान के पोस्टर थामे फैंस उनकी फिल्मों के गाने गाते हुए अपने हीरो के बर्थडे का जश्न मना रहे थे। नीट PG मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आधिकारिक वेबसाइट MCC.NIC.IN पर ओपन कर दिया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पेस आज कितना महत्वपूर्ण हो गया। ट्विटर डील से समूचे विश्व ने इसे जाना समझा है। एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर का मालिक बनते ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि चिड़िया मुक्त हो गई। उनके इस ट्वीट के कई मायने लगाए जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए रामपुर के तत्कालीन सीईओ विद्या किशोर को पदानवत यानी कि डिमोट कर दिया गया है। दिसंबर 2021 में सीईओ विद्या किशोर को निलंबित किया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह तेलंगाना के वास्पी अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब हैदराबाद से होकर गुजर रही थी तब पूर्व मंत्री इसमें शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर पुलिस द्वारा धक्का दिए जाने के बाद वह जमीन पर गिर गए। इससे उनकी दाहिनी आंख हाथ और पैर में चोट आई है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके फैंस को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर आज आउट हो गया है। एसआरके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस को ये जानकारी दी। देश में घरेलू कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिगो ने इंदौर चंडीगढ़ के बीच डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। कंपनी ने इन नई रूट्स पर फ्लाइट्स शुरू करते वक्त पैसेंजर को कई तरह की सुविधा देने का फैसला किया है। इस नई फ्लाइट की शुरुआत के वक्त नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कई और अधिकारी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल अब तक पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। 3 मैचों में वह केवल 22 रन बना पाए हैं। वह गेंदबाजों के सामने सहज भी नजर नहीं आ रहे हैं। उनके इस फ्लॉप प्रदर्शन पर अब दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बयान आया है। गावस्कर ने कहा कि केएल राहुल को देखकर लगता है कि उन्हें खुद पर ही यकीन नहीं है। जदयू के दिग्गज नेता और एमएलसी नीरज कुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले महीने ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद पटना के मेदांता अस्पताल में उनको पेसमेकर लगाया गया है। अब उनकी हालत फिर से नाजुक हो गई। उनको इलाज के लिए बुधवार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। गुजरात में रविवार को मोरबी पुल के टूटने से उस पर मौजूद सैकड़ों लोग नदी में गिर गए थे। इस हादसे में सैकड़ों लोग घायल हुए थे जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बीच अहमदाबाद में मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और सरकार के आदेशों का इंतजार कर रही है। यह जानकारी खुद चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजिला ने दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए संकेत के बाद भारतीय सेना कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजिला ने कहा कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और हम सरकार के आदेश पर किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बारिश के कारण झारखंड में धान की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। अकेले धनबाद में 5% तक ही धान की रुपाई हो पाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि विभाग आंकड़े के अनुसार धनबाद के 10 प्रखंड में लगभग 45,000 किसान प्रभावित हुए हैं। यहां प्रति किसान को 3500 रुपए की राहत राशि देने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही अन्य जिले के किसानों को भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चीन ने झेंगझोऊ एयरपोर्ट इकोनॉमी जोन स्थित आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री के आसपास कोरोना लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना के डर से कर्मचारी फैक्ट्री से भागने लगे थे। ताइवान की टेक कंपनी फॉक्सकॉन यहां आईफोन का एक बड़ा प्लांट चलाती है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को फॉक्सकॉन के लिए 7 दिन का स्टैटिक मैनेजमेंट लागू कर दिया गया है। स्थानीय संदर्भ में स्टैटिक मैनेजमेंट का मतलब लॉकडाउन होता है। पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की और उनकी तारीफ किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि संसद में पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और उसके बाद क्या हुआ था यह सबको पता है। यही नहीं, पायलट ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने मानगंज में अशोक गहलोत की तारीफ की है उससे अंदेशा हो रहा है। पूजा भट्ट बुधवार को हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई जहां उन्होंने राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा भी की। पूजा यात्रा में हिस्सा लेने वाली पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। उन्हें यात्रा में राहुल के साथ पैदल चलते समय बातचीत करते हुए देखा गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांगों पर विचार विमर्श पूरा करने के लिए समय मांगा है जहां उनकी संख्या दूसरे से कम हो गई है। केंद्र ने कहा है कि यह मामला काफी संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सत्येंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, मृत्युंजय कुमार, अर्जुन राम, पीयूष कुमार, अंकित बाबू, अखिलेश यादव, फिरोज सिद्दीकी, दीपक कुमार, छोटू कुमार, पीयूष कुमार और अमरजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।